सब लोग तो बोलते हैं देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए तो बहुत इजी है। आई फील प्राउड दैट माय सन हैज डन समथिंग फॉर आवर नेशन। इसके अलावा फिर उसको हमने, अभी वो हमसे दूर गए ना काफी। हम लोग तो बॉडी वेट कर रहा है, बॉडी आने के बाद में हम लोग दार्जिलिंग लेके जाएंगे। हम लोग मेन घर तो दार्जिलिंग है, तो फैमिली का, तो हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे लेके बॉडी को लेके। तो वो कैसे थे, मतलब कब ज्वाइन किए थे इंडियन आर्मी? अभी ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हुआ इनका सर्विस, 5 ईयर्स हुआ सर्विस। अभी लास्ट कब आया था घर में? अभी तो अभी फरवरी में 31 मार्च को तो रिटर्न हुआ है इधर से, छुट्टी ले करके जाके 1 मार्च को रिटर्न हुआ है वो। क्या मैरिड थे या अनमैरिड? नहीं, अनमैरिड, एकदम अनमैरिड है। सर कैसे, कितना हिम्मत वाला था वो? अब वो तो नेचर बोर्न एंड ब्रॉट अप ही आर्मी एरिया में हुआ, उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। अभी उनके घर में कौन कौन है आप? अभी तो इधर सिलगुड़ी में तो मैं और हमारा छोटा भाई तो दार्जिलिंग में सर्विस है उनका, और उनका मिसेज है मेरा बहू, बहू कभी ऊपर दार्जिलिंग रहता है कभी इधर ही रहता है। तो सर बॉडी कब तक आएगा? सब एक्सपेक्टिंग कल तक, क्योंकि अभी तो बॉडी के लिए इन्फॉर्म नहीं हुआ है, तो उधर से डिस्पैच करने के बाद में इधर पता हो जाएगा। क्यों, हमारा जो भाई है, ब्रदर है, उसको उनको सब डिटेल दे आ रहा है ना, उनको आ रहा है, हमको तो नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है, तो उनको एग्जैक्टली उनका ही पता होता है। सर देश के लिए शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोले, देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलते हैं देश के लिए शहीद हो गया, करने के लिए जो हम लोग को जो लॉस हुआ है वो तो कभी भी फुलफिल नहीं होगा ना। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ? अब तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा तो डेली मिलिटेंट के साथ डेली हो रहा है, डेली जा रहा है, ऐसा एक्शन अब क्या लेगा? गवर्नमेंट को तो लेना चाहिए ऐसे, तो जिस तरह से आर्मी पर्सनल का लॉस हो रहा है, वो तो लाइफ का लॉस जो हो रहा है उसमें, उसके लिए तो लेना तो चाहिए, लेकिन कब लेगा कैसा लेगा वो तो अभी तक अभी कुछ पता नहीं। खाली डेली शहीद हो रहा है, डेली शहीद हो रहा है। आई गॉट द न्यूज़ थ्रू अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम हिज पेरेंट यूनिट सी ओ 145 AD रेजिमेंट, उनका सी ओ गेव मी अ कॉल एट अबाउट 10:30 इन द इवनिंग येस्टरडे। Then only I came to know, he told me, he broke the news to me that Brijesh is no more, and I could not believe. Then I asked him, kindly recheck, maybe this is a mandatory, but he says, you know, this is confirmed, this is what he said. Sir, being an army personnel, you have lost your son. Yes. So, how do you look into this? You see, my son was always, he wanted to be in the army. Right from the his childhood, he used to, you know, I said he used to wear my army dress and go around and used to feel good. And even after he had done his engineering, he takes his B.Tech, but still he was bent on going to the army only. And he did not, he was so much into that, he wanted to go to the army, that he had a liking for army so much that
ही डिड नॉट प्रिपेयर मच, स्टिल ही गॉट थ्रू ऑल द टेस्ट इन द आर्मी इंक्लूडिंग द SSV. ही क्लियर्ड इट इन वन गो इन हिज बैच ऑफ अबाउट आई थिंक 60 people. Of 60 people, he was the only one who cleared all the interviews and everything, and including the medical, he was the only one in that particular batch during SSB. So he was just 27. Yes. So what's your feeling? Are you feeling proud or something else? I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. Do you think government should take strong action against the militant? You see, government is taking action. It is not that they are not taking action. Only thing is these sort of incidents keeps on happening. Because there are a lot of supporters within that area also, and it is because of the supporters that they get, that is how this thing is. So the idea should be to wane there should not be a support base for the militant. Once that is done, then automatically I think the militancy can be controlled. But there are a lot of support base for the militant. क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना. हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया. अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस. कब पता चला? कल रात को पता चला, 11 o'clock को. आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था. वो ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था. वो इज अ वेरी डिसेंट गाय. तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है. क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को. हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में. बट उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा. फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, देश के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए. क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या? गर्व तो होता ही है ना. देश के लिए कुछ किया उसने, है ना. तो देश लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है. मैं ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है. सख्त कार्रवाई करना चाहिए उसके खिलाफ. वो तो करना तो चाहिए. अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी. अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे. वो लोग करेंगे. ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पर, तो अभी तो करेंगे. बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ तो फिर